हेलो दोस्तों, रॉयल व्हीकल में आप सबका स्वागत है। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाया है, सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर। मैं आज मेरे 350 में इंस्टॉल करूंगा, तो चलिए देखते हैं सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर इंस्टॉलेशन। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पहले आएगा, ईद बाद में आएगा। सबको ईद मुबारक। ये देखिए दोस्तों, सिमटेक का एलईडी बल्ब। इसके पैकेट में है ये वारंटी कार्ड सील और स्टैम्प के साथ। ये है वो एलईडी लाइट्स, अंबर कलर के स्ट्रेट पिन वाला। मैंने इसको मंगवा लिया है। और चलिए फ्लैशर वाला बॉक्स ऑन करते हैं। देखिए, इसके साथ आता है थैंक यू कार्ड और नीचे लिखा हुआ है बेस्ट डील अप्लाई ऑन कूपन कोड एडिशनल डिस्काउंट ऑन एलईडी बल्ब्स। इसको संभाल के रखना होगा। ये है वारंटी कार्ड। दोस्तों ये है वो फ्लैशर, आप देख सकते हैं सिमटेक मेक इन इंडिया का लोगो लगाया हुआ है, वर्शन 2 और PN प्लग एंड प्ले रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड। इसके साथ आपको ये वायर मिलेगा, इसका फंक्शन मैं बता दूंगा आपको। और ये स्विच, स्विच के साथ ये जो मोड है, इस पर 21 मोड है, तो ये 21 मोड को चेक करने के लिए ये स्विच दिया है। तो चलिए इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करके तो सीधा इंस्टॉल करते हैं। এটা খুলবো। খুলে এটাকে শর্ট করবো। করে কর না দেখো। দাঁড়া, এখন ভিডিও করিস না। করছি তুই নে না, এটা লাগাবো। করে ये हो गया, क्योंकि ये इसका जरूरत नहीं है। ये चीज हैजर्ड के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप इधर भी रख सकते हो, इसमें जगह है रखने का। और आप इस वायर को ऐसे भी करके कहीं भी रख सकते हैं। वही तो हैजर्ड फ्लैशर तो लगा अच्छे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको पहले लगा लेना है, इस चीज को पहले लगा लेना है। ले चलिए फटाफट बल्ब चेंज कर देते हैं। चार्टो खोल खोले
तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मेरा दो स्टॉक बल्ब था, दो चाइनीज़ एलईडी बल्ब था, तो इसको मैं चेंज करके इस वाले बल्ब को कन्वर्ट करूँगा। ये सिमटेक्स का ही बल्ब है, स्ट्रेट पिन अम्बर कलर, तो इसको फटाफट लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने चारों बल्ब लगा दिए। अब देखिए ये वाला सॉकेट ये ब्लैक वाले में जाएगा, ये 9 पिन का सॉकेट है इसको। हाँ, ये वाला मेल के साथ ये वाला फीमेल जाएगा। और ये वाले फीमेल के साथ ये 9 पिन वाला मेल जाएगा। लॉक हो गया। और ये वाला जो बचा हुआ है इसके साथ कंट्रोलर स्विच जाएगा। ये रहा वो कंट्रोलर स्विच। ठीक है, अभी चेक करते हैं जला के, बाद में फिटिंग करके पूरा वीडियो रिव्यू देंगे आपको। ये देखिए इसका जल रहा है, मैंने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। ये फिर से जलाया, जल रहा है। अब देखिए इसका लाइट का ब्राइटनेस देखिए सिर्फ। और ये वाला जो स्विच है इससे पैटर्न चेंज कर सकते हैं। देखिए तो चेंज करना दूर ही रहेगी। एक बार प्रेस करे छेड़े दीजिए। अच्छा और ये ऑन रहने से भी आप इंडिकेटर जला सकते हैं। इंडिकेटर जिस साइड का जलाएंगे सिर्फ उसी साइड का जलेगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट साइड का जलाया है, सिर्फ लेफ्ट साइड का जल रहा है। अभी राइट साइड का जलाएंगे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का जल रहा है। पीछे भी दिखाते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ये देखिए राइट साइड का इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर बंद कर देते हैं, फिर देखिए फ्लैशर ऑन हो गया, हैजर्ड फ्लैशर। ठीक है, तो चलिए इसको अभी पैक करते हैं, फिर आपको पूरा पैकिंग वीडियो दिखाते हैं। अब एक बार और देख लीजिए सामने से कि कैसा लग रहा है। चलिए चारों का चारों इंडिकेटर में इंस्टॉल हो गया लाइट। अब देख सकते हैं चारों के चारों में एलईडी लाइट इंस्टॉल हो गया है। देखिए दोस्तों ये चाबी ऑन करने के समय ये ब्लिंक करेगा, क्योंकि हमने वो फ्लैशर का हटा के वो जम्पर लगा दिए है। अब देखिए मेरा स्विच ऑफ है तो नॉर्मल इंडिकेटर काम करेगा। नॉर्मल इंडिकेटर देखिए काम करेगा। ये देखिए राइट साइड का इंडिकेटर, आप इसका लाइट देख सकते हैं कितना ब्राइट है। ये देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर वर्क कर रहा है। स्विच ऑफ है मेरा मॉड्यूल का, जो मेन कंट्रोलर है उसको मैंने ऑफ करके रखा है। ये देखिए पीछे का लेफ्ट साइड का, पीछे का राइट साइड का इंडिकेटर कितना ब्राइट है, आप सब देख ही सकते हैं। अब देखिए हैजर्ड मॉड्यूल को, ये देखिए हैजर्ड मॉड्यूल ऑन हो गया। ये एक पैटर्न है, एक और पैटर्न है। अब देखिए हाईवे में कितना रोशनी देगी ये, आपको दूर से दिखाई देगा आपको। कुल मिला के 21 पैटर्न है, कुछ कुछ चेंज करके हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने पूरा सेट कर दिया है। ये देखिए देखिए एक और पैटर्न कितना ब्राइट है, देखिए
देख सकते हैं आप कितना ब्राइट है। तो आप लोग इसको सिमटेक के साइट से मंगवा सकते हैं। अगर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। और दूसरी बात, आप अगर लॉन्च 35 ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। टोटल एलईडी बल्ब और हैजर्ड मॉड्यूल के ऊपर आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। आप अलग से सिर्फ हैजर्ड खरीद सकते हैं, लेकिन बल्ब अगर ये वाला नहीं लिए तो आप उतना इफेक्ट नहीं जान पाएगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है, मैंने पहले ये चाइनीज़ वाला एलईडी लगाया था, उतना इफेक्ट नहीं था इसका लाइट का, लेकिन इसको देखिए आप। ठीक है, आप एक बार मेरा गाड़ी का साउंड भी सुन सकते हैं। एक भाई ने बोला था कि अपने आपका गाड़ी का साउंड सुना दीजिए। देख लीजिए, मेरा गाड़ी में कोई टैपिड नॉइज नहीं है, एकदम बढ़िया सा साउंड है। हेडलाइट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है मॉड्यूल लगाने के बाद। अब एक बार फिर मॉड्यूल जला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इंजन को ऑफ करते हैं, एक और पैटर्न चेंज करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक। मेरे चैनल रॉयल वाइकर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो पहले आएगा, ईद बाद में आएगा, तो सबको ईद मुबारक।